प्रयागराज का आदिकालीन अलोप शंकरी का सिद्धपीठ श्रद्धा एवं आकर्षण का प्रमुख केंद्र रहा है। इस महाकुंभ में यह सिद्धपीठ भी आस्था के प्रमुख केंद्रों में एक होगा। अलोप शंकरी मंदिर दुनिया का एकमात्र ऐसा शक्तिपीठ है जहां माता की कोई मूर्ति नहीं है। इसीलिए इसके पुनर्निर्माण के लिए सरकार की ओर से 7 करोड़ रुपए की राशि खर्च की जा रही है। वर्तमान में करीब 55% से अधिक निर्माण कार्य पूरे हो चुके हैं। 15 दिसंबर तक इस कार्य को पूरा कर लिया जाएगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की प्राथमिकता में यहां के धार्मिक स्थलों के पुनर्निर्माण का कार्य 24 घंटे अनवरत चल रहा है। मुख्यमंत्री की मंशा है कि देश और विदेश से आने वाले श्रद्धालु महाकुंभ की पौराणिक मान्यता के अनुरूप दुनिया के सबसे भव्य सांस्कृतिक आयोजन के उत्सव के भागीदार बने। योगी सरकार ने इसके लिए करीब 6,500 करोड़ रुपए की 500 से अधिक परियोजनाओं को साकार रूप देना शुरू कर दिया है। प्रयागराज में दारागंज के पश्चिम अलोपी बाग में देवी का मंदिर है। अलोप शंकरी देवी के इस मंदिर के गर्भगृह के बीचों बीच एक रंगीन कपड़ा लटकता रहता है जिसके नीचे एक खटोली बंधी रहती है। भक्त यहीं आकर माला फूल चढ़ाकर दर्शन करते हैं। पौराणिक मान्यता है कि सती की एक अंगुली यहां पर गिरी थी। मंदिर में एक चबूतरा है जिसमें एक कुंड है। इस कुंड के ऊपर ही खटोली रहती है। माता के मंदिर के बाहर गणेश, शिव, कार्तिकेय, हनुमान जी की मूर्तियां लगाई गई हैं। मंदिर के पास में ही शंकराचार्य की पीठ भी है। यहां लगने वाला नवरात्रि का मेला काफी प्रसिद्ध है। देश विदेश से लोग यहां आकर दर्शन करते हैं, साथ ही माता का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। स्थानीय लोगों बीच मान्यता है कि इस मंदिर में दर्शन मात्र से व्यक्ति का दुख दूर हो जाता है। लोग बताते हैं कि यहाँ की सबसे खास बात यह है कि सभी धर्मों के लोग इस मंदिर में आते हैं। पुराणों के अनुसार यहाँ माँ सती के दाहिने हाथ का पंजा एक कुंड में गिरकर लुप्त हो गया था, जिसके बाद इस मंदिर का नाम देवी अलोप शंकरी रखा गया है। यह मंदिर माँ शक्ति के प्रमुख शक्तिपीठों में से एक है। सरस्वती पत्रिका के संपादक अनुपम परिहार के मुताबिक प्रसिद्ध अमेरिकी लेखक मार्क ट्वेन ने 1896 में जब यहाँ की यात्रा की तो प्रयागराज के धार्मिक उत्सव देखकर बड़ा आश्चर्यचकित हुआ। उन्होंने अपनी एक पुस्तक में यहाँ का जिक्र किया है। उन्होंने लिखा है कि 100 राज्यों, हजारों बोलियों तथा लाखों देवों का राज्य है ये। यह मानवीय बोली की जन्मस्थली है, भाषाओं की जननी है। यह एक ऐसा राज्य है जिसे एक बार देख लेने के बाद कहीं और जाने की जरूरत नहीं। 7वीं शताब्दी के चीनी यात्री वेनसांग ने भी अपनी प्रयागराज की यात्रा को लेकर महाकुंभ का अद्भुत वर्णन किया है।